बाबा जी जल्दी जल्दी प्रवचन दे दीजिए। जल्दी तो हमें भी है भाई, हम चाहते हैं फटाफट प्रवचन पूरे हो। हम तुम्हें आज सिनेमा दिखाएं। कौन सी मूवी? मल्टीप्लेक्स में चलेंगे उड़िया फिल्म देखने। लेकिन बाबा जी मुझे तो उड़िया नहीं आती। वहां जाके वही तो सिखाना है। हाँ। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे कोई उड़िया नहीं सीखनी, मेरा भाई बहुत गुस्से वाला है। भाई बहुत गुस्से वाला? हाँ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। ये भी बीमार है? नहीं बाबा जी, मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक ये भी है। बाबा जी मैंने ना म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं उस्ताद जी के पास जाकर सीखता हूँ। कौन है बदनसीब तेरा उस्ताद? मेरे उस्ताद का नाम आए हाय 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 हाय। इतना गंदा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ओए होए 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 उस्ताद जनाब हुसैन लाल मेहंदी जी। भैया वो करते क्या है? नाम से नहीं पता चलता, प्रोग्राम तो कोई मिलता नहीं होगा, शादियों में मेहंदी बनाते होंगे लड़कियों के हाथों में। भाई मेरे उस्ताद जी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा? हाँ जी। हम कैसे माने, बता जरा क्या अभी, सिखाया? अभी सुना देते हैं आपको। सिखा। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तेरा उस्ताद भी ढोंगी है, पखंडी कहीं का, बाहर संगीत विद्यालय का बोर्ड लगा के अंदर तेरी प्राइमरी क्लासे लगाता रहा। अरे नहीं नहीं बाबा जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आपको क्या पता म्यूजिक के बारे में? हमसे तो संगीत शुरू होता है। अच्छा बाबा जी, मैं ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ, आप सिखा रहे हो मेरे को, बताओ कितनी फीस लगेगी? देखो संगीत का कोई मोल नहीं होता, संगीत तो अनमोल है, गुरु दक्षिणा दे देना। गुरु दक्षिणा के लिए तो मेरे पास कोई चीज है नहीं बाबा जी। कुछ नहीं है कुछ, चलो ऐसा करना अपनी बहन अर्पण कर देना। ऐसा कैसे हो सकता है जी? करके देख लो पता चल जाएगा। नहीं नहीं बाबा जी, चलो आप सिखाओ बाबा जी, फिर कोई बात नहीं। हाँ, सबसे पहले आज का पहला अभ्यास सा लगाते हैं। ठीक है भाई। सा जितनी अंदर सांस है सब निकाल देगा, सारा साज ही लगा देगा, छोटा सा लगा अपने साइज के हिसाब से। छोटा सा लगाना है? हाँ। आप मेरे को कोई गाना सिखाओ। हम तुम्हें गाना आज सिखाते हैं धड़कन फिल्म का। धड़कन 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 मेरी धड़कन। ये क्या है बाबा जी, हरकत लगाई है? इतनी गंदी हरकत, वो भी उस्ताद के आगे? ऐसे तो ना, देखो उस्ताद को कभी भी नीचा नहीं दिखाते। अब जाओ बोर मत करो, हमारे रियाज का टाइम हो गया, भागो यहाँ। रियाज का टाइम हो गया? चलो ट्रेंडी बाबा जी के रियाज का टाइम हो गया। नहीं नहीं उसे मत ले जाओ, रियाज का टाइम है भाई, हम अकेले रियाज नहीं करते, कोई एक जना चाहिए साथ में। ठीक है बाबा जी। भैया मैं जाती हूँ, आप बाबा जी के साथ रियाज कर लेना। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था, पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज, अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।